हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट किसू न्यू अपडेट्स। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि अगले साल के लिए क्या लेके आ रहा है किसू और क्या प्राइस प्रोजेक्शन हो सकता है इसका, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉइन मार्केट कैप में इसका जो प्राइस चल रहा है वो 0.8x0256 और ये नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है और ये डॉलर में है आपका। तो इंडियन करेंसी में अगर उसको कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप दो जीरोस को हटा दीजिए तो आसपास उसी के आसपास ये प्राइस चला जाता है। तो यस, और ये नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। और इसका जो अभी जो 24 आवर्स का जो प्राइस एक्शन है वो देखेंगे, इसका 24 आवर्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अराउंड 6% के आसपास नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। कोई बात नहीं, क्योंकि ये हॉलीडे सीजन है, ये क्रिसमस है, अभी न्यू ईयर है, न्यू ईयर ईव है, न्यू ईयर है, सो इसमें बहुत कोई ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि अपने सब हॉलीडेज़ में जाते हैं वगैरह। तो चलिए इस बात को अगर हम नेगलेक्ट करते हैं तो फिर भी अभी प्राइस बहुत अच्छा से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अगर आप 7 डेज़ का यहाँ पर जस्ट ग्राफ देखिए, यहाँ पे देखिए 7 डेज़ में ग्राफ, इसमें आपको बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला होगा। देखिए 12, देखिए 7 डेज़ में आपको कितना अच्छा उछाल देखने को मिला। अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है, बट ये अपना आपको फॉलो कर रहा है अपना पिछले जो हिस्ट्री को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसमें थोड़ा देर में लोग डिस्कस करेंगे इसका कैंडल स्टिक में भी जा करके। और एक मेन बात है गाइस, इसमें जो एक्सचेंजेस अभी तक किसी को आपको इसलिए टारगेट करना चाहिए क्योंकि देखिए बहुत सारे एक्सचेंजेस में, मेजर एक्सचेंजेस में ये अभी तक लिस्टेड नहीं है। तो यस, इसको आने वाले टाइम पे अगर ये अच्छे खासे एक्सचेंजेस में लिस्ट होते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा ये आपका बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका होल्डर्स भी बढ़ेंगे, राइट। अगर कुछ नए एक्सचेंजेस में आते हैं तो उसमें उसका, क्योंकि अभी ये बहुत ही छोटे छोटे एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, जो कि बहुत बेसिक, जो हर नया कॉइन आता है तो पहले ये सब में लिस्ट हो जाता है। बट जैसे हमारा फर्स्ट टायर जो, अगर वन टायर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, ठीक है, सो वो सब में अगर जैसे बाइनेंस हुआ, हुबोय हुआ आपका, ठीक है, तो इस टाइप का एक्सचेंजेस अभी तो आना बाकी है ऐसे। तो अगर ऐसे एक्सचेंजेस में आते हैं तो इसका आपको देखिएगा प्राइस जो है आपको अपने आप बढ़ते हुए नज़र आएगी। तो यस, ये उम्मीद करें क्योंकि अभी तक इसका एक साल भी ठीक से हुआ नहीं है मार्केट में। सो इससे हम लोग इतना ज़्यादा, अगर ऑल ऑफ सडन, क्योंकि अभी तक ये जब से ये दिया है अराउंड आपको 600% का आपको मूव दिया है, ठीक है, 600% का प्रॉफिट अभी तक दिया है। तो इसका बहुत सारा बाकी, क्योंकि बाकी कॉइन जो मीम टोकन सब आए हैं वो अराउंड 3000, 4000, 5000 तक दे चुके हैं, बट इसका अभी तक वो पीक आवर नहीं आया है, पीक टाइम नहीं आया है। तो यस, अभी भी ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं तो यस, आप इसको कंसिडर कीजिए। अभी भी बाय करना चाहते हैं तो अभी भी बाय कर सकते हैं क्योंकि इसको बहुत लॉन्ग टर्म जाना है इसे, ठीक है। तो उस हिसाब से वो, अगर आप इसका वीकली अपडेट देखेंगे तो 12 दिसंबर से 19 दिसंबर तक का जो था इसमें, तो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इन्होंने पूरा फोकस करा है कि यस, हम लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। बट इसका जो मेन प्रोजेक्ट जो है आने वाला क्वार्टर में वो है, देखिए, द कम्युनिटी सीम्स टू लव प्रोजेक्ट के एंड द स्पेकुलेशन अराउंड व्हाट इट कुड बी, ठीक है। तो बहुत कोई इसमें अभी तक प्रोजेक्ट के क्या है किसी को अभी तक मालूम नहीं है, पता नहीं अब क्या लाने वाले हैं, या फिर नए एक्सचेंजेस में लिस्ट करने वाले हैं बड़े एक्सचेंजेस में, या फिर अपना खुद का ब्लॉकचेन लाने वाले हैं जैसे अभी सीबा इनू कर रहा है, ठीक है। सो पता नहीं इसमें क्या होने वाला है, बट यस, अगर इन्होंने कहा है कि लाइक इसमें इन्होंने काम कर रहे हैं तो ये ऐसे कुछ कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ होगा ही इसमें। सो उसी बेसिस में जैसे प्रोजेक्ट के माइट बी आवर बिगेस्ट प्रोजेक्ट, जैसे इन्होंने यहाँ पे अपने को मेंशन करा है कि प्रोजेक्ट के माइट बी आवर बिगेस्ट प्रोजेक्ट टू दिस डेट एंड इट विल कंटेन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ किसू, टर्निंग इट इंटू अ फुल्ली फंक्शनल एंड वर्किंग इकोसिस्टम। तो यस, हम लोग ये अभी से कुछ एक्स्ट्रा प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कि क्या आने वाला है, ठीक है। जो भी आएगा, उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट को, हमारे ये किसू को ये आगे तक ले जाएगा। तो इसी उम्मीद से अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है इसमें, या फिर अभी आप बहुत कम कॉइन पकड़े हो इसमें, तो आप अभी इसमें ऐड कर सकते हो, श्योर शॉट आप ऐड कर सकते हो क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज में है, ठीक है। तो इसे टोटल होल्डर्स देख लेते हैं। यस, 250K इसने अपना होल्डर्स पहुँचा लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये और इंक्रीमेंट हो। ओके, इसका किसू, इसका अगर न्यूज़ अगर देखेंगे ट्विटर में तो ज़्यादा कुछ अभी न्यूज़ रिसेंट टाइम पे नहीं है, बट फिलहाल जो न्यूज़ था ये प्रोजेक्ट के कही है जो आने वाला क्वार्टर्स में, या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च तक में ये कुछ आ सकता है।
तो चलिए चार्ट देख लेते हैं। चलिए चार्ट देखने से पहले बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं। बिटकॉइन में भी आप देख रहेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे इसने अपना ब्रेकआउट दिया, छोटा सा ब्रेकआउट देने के बाद अपने आपको देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस के बाद वापस से आके अपना पिछला जो रेसिस्टेंस था उसमें अभी सपोर्ट ले रहा है। ये अच्छी साइन है क्योंकि ये अपने आपको फॉलो अप कर रहा है, एकदम सिस्टमेटिक वे में जा रहा है। तो यही फॉलो अप अगर आप देखोगे तो किसी को भी आपको सेम चीज़ नज़र आएगा। देखिए यहाँ इसने ब्रेकआउट किया, फिर देखिए एक वापस अभी यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट यहाँ पे सस्टेन कर लेता है, ये यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए, अगर नीचे भी आएगा तो आपको इस लाइन तक आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये जो अभी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अगर आता भी है तो ये लाइन आसपास ही आएगा। ठीक है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। सो यस, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से उम्मीद करें तो आप यहाँ पे बाई इन करने सोच रहे हो तो यस आप बाई इन कर सकते हो, क्योंकि अभी मार्केट करेक्शन कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले मना किया था कि यहाँ पे आप बाई मत कीजिएगा आसपास, क्योंकि अगर बाई करना था तो आप बाई कर सकते थे, बट इन केस का बात था कि क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे कि अगर इसको ब्रेक कर जाता तो बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलता, तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे थे कि जैसे यहाँ आपको सिग्नल मिला तो आप यहाँ पे आराम से भी बाई कर सकते, क्योंकि अभी यहाँ से एक नया ट्रेंड चालू होगा किसू का। ठीक है, यहाँ से एक नया ट्रेंड अभी चालू होगा ये आसपास, ये आसपास, तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉलो अप करें। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, कुछ भी आपका जो सलाह होगा या कुछ फीडबैक होगा और या फिर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट्स हो गए तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हमें और इंटरेक्शन कर सकें और अपने आपको और बेहतर बना सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करते हैं आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।